त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की मतगणना 2 मई की सुबह 8 बजे से 20 केंद्रों पर की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन कराया गया है। प्रथम पाली के कार्मिकों की मतगणना स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के पहले और दूसरी पाली के शुरू होने के पहले सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। फिलहाल जनपद में 20 विकास खंड के लिए होने वाले मतगणना केंद्रों के नाम की घोषणा जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई है, जिसके तहत ब्लॉक भठट क्षेत्र की मतगणना पटेल स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज भठट में, उरवा ब्लॉक की मतगणना श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उरवा, ब्रह्मपुर ब्लॉक की मतगणना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिशु शिक्षा निकेतन एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल रसूलपुर नंबर 2, जंगल कौड़िया ब्लॉक की मतगणना SBM विद्यालय चुटवा में, पिपराइच ब्लॉक की मतगणना पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज पिपराइच, गगहा ब्लॉक की मतगणना श्री राम बचन सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनकटी गगहा में, पाली ब्लॉक की मतगणना प्यारी देवी महाविद्यालय तिलौरा पाली में, कैंपियरगंज ब्लॉक की मतगणना JP पारसनाथ पांडे इंटर कॉलेज कैंपियरगंज, चरगावा ब्लॉक की मतगणना कृषि विद्यालय चरगावा, गोला ब्लॉक की मतगणना BSAB इंटर कॉलेज गोला, बढ़लगंज ब्लॉक की मतगणना नेशनल इंटर कॉलेज बढ़लगंज, खोराबार ब्लॉक की मतगणना सेंट जोसेफ स्कूल जंगल सिकरी बाईपास चौराहा खोराबार, बेलघाट ब्लॉक की मतगणना राष्ट्रीय संस्कृति यान इंटर कॉलेज बेलघाट, सरदार नगर ब्लॉक की मतगणना राजकीय गर्ल्स कॉलेज सरदार नगर, सहजनवा ब्लॉक की मतगणना शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय सहजनवा, पिपरौली ब्लॉक की मतगणना जवाहरलाल इंटर कॉलेज जैतपुर, खजनी ब्लॉक की मतगणना श्री गणेश शंकर पांडे इंटर कॉलेज कटघर खजनी, बांसगांव ब्लॉक की मतगणना पंडित जवाहर लाल नेहरू इंटर कॉलेज बांसगांव, कौड़ीराम ब्लॉक की मतगणना सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज कौड़ीराम और भरोइया ब्लॉक की मतगणना गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोइया में की जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना केंद्रों पर COVID-19 हेल्प डेस्क बनाया गया है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर एजेंटों को कोविड जांच का सर्टिफिकेट लेकर ही जाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। गोरखपुर में 2 तारीख से होने वाली त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की मतगणना के मद्देनजर आज सभी 20 ब्लॉक के मतगणना केंद्र पर बैरिकेडिंग तथा टेबल का इंतजाम कर लिया गया है। सभी में बैरिकेडिंग कर ली गई है तथा साथ ही नेट लगा दिया गया है। मतगणना में न्याय पंचायत वार 4 टेबल का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से 1 टेबल ग्राम पंचायत सदस्य, 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य और 1 ग्राम पंचायत प्रधान के लिए है। मतगणना का कार्य 2 तारीख को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और ये मतगणना की समाप्ति तक चलेगा। इसमें 12 घंटे का शिफ्ट बनाया गया है। 2 पालियों में 12 घंटे के शिफ्ट में मतगणना कार्मिकों को लगाया गया है। इसके अलावा 29 और 30 2 दिन तक मतगणना अभिकर्ताओं, जिसको एजेंट कहते हैं, प्रत्याशी के पास के लिए इंतजाम किए गए थे। 2 दिन से आज और कल 2 दिन तक पास जारी किए गए ब्लॉक पर सभी मतगणना प्रत्याशियों और एजेंटों के लिए। और इसके अलावा मतगणना प्रत्याशियों को अभी तक के मुताबिक कम से कम 72 घंटे पुराना कोविड निगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट अपने साथ प्रमाण पत्र को लाना पड़ेगा, जिससे साबित हो जाएगी वो लोग कोरोना से पॉजिटिव नहीं है।